अगर आपके समाज में कोई व्यक्ति अगर पूरी जिंदगी अपने काम को दे दे, किसको दे दे? काम को। काम के मतलब अपने पैशन को, चाहे वो सिंगिंग को, गाना को, पढ़ाने को, ठीक है, और वो शादी ना करे, उसको हम लोग कैसे नजर से देखते हैं? देखते हैं कैसे देखते हैं? बेकार है, पागल है, कहते हैं ना। यस सर। अच्छा, उससे पहले सुन लीजिएगा, हम ऐसा इसलिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सभी को भाग्य नहीं होता है मास्टर बनने का। मास्टर भी बनता है बड़ी भाग से, और इतना आप लोग को पढ़ाने के लिए सब कोई आता है, लेकिन मास्टर जो बनता है ना, कहीं ना कहीं बच्चों पर अपना छाप और उसका भविष्य देखता है। हम आपको नहीं पढ़ा रहे हैं, आपके मम्मी पापा के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं, आपको हम बना देंगे तो आप देश बनाइएगा, समाज बनाइएगा। कल हो के समाज में कौन बूढ़ा बूढ़ी नजर आएगा? तो आप नजर आइएगा, आपके पापा नहीं रहेंगे। उस समय अगर कोई ऐसे लोगों के साथ दुर्व्यवहार करता है तो आपको नजर आएगा कि लता मंगेशकर के लिए हम बजाए थे और क्या किए थे, मोमबत्ती जलाए थे, तो वो भी तो एक ऐसी औरत है जो पूरे जीवन अपनी शादी नहीं की है, तो फिर हम उसको गलत भावना से क्यों देखेंगे? देखेंगे क्यों? लता मंगेशकर बहुत बड़ी थी, इसलिए वैल्यू दे रहे हैं कि आम नागरिक जो है, जो अपनी मर्जी से कोई चीज करना चाहता है, जीना चाहता है, उसके लिए भी आपको आपका वही प्रेम और वही विश्वास रखना उचित है, ठीक ना? तो लता मंगेशकर जान लीजिए, बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि लता मंगेशकर शादी ही नहीं की थी, वो सिंगिंग को अपना पैशन बना ली थी और पैशन बनाकर पूरी जिंदगी जी थी। लेकिन आप अभी तक सोच लीजिएगा कि अगर वो आपके समाज में रहती तो कितना आप उसको हीन भावना से देखते। लेकिन वही हम और आप सभी लोग देखा इसकी भी मोमबत्ती जलाते हैं, किसमें? लेकिन कभी जानबूझ के ये सोचते हैं कि वैल्यू दे रहे हैं हमें? तो आप लोग सिर्फ देखा इसकी मोमबत्ती मत जलाइए, ऐसे लोग जो इस समाज के लिए कुछ अलग तरीका से करना चाहते हैं, उनको भी वैल्यू देना है, ठीक है? रहने दीजिए, चलिए आप लोग।